Hey guys, welcome to my channel and this is Samiksha. So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि how to get commission works and दूसरा सेगमेंट रहेगा कि हम commission work अगर हमें मिलता है तो हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसी प्रोसेस रहती है, हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए अगर हम भी एक बिगनर है एंड कमीशन वर्क स्टार्ट करें. सो अगर आपको ये देखना है कि कमीशन वर्क में कैसी प्रोसेस रहती है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो आप वीडियो को आगे तक स्किप कर सकते हो या फिर आप स्टार्ट से देख सकते हो. सो गाइज, अब कमीशन वर्क अगर आपको लेना है या आपको अगर स्टार्ट करना है तो बहुत हमें क्यूरियोसिटी रहती है बिगनर्स को कि कमीशन वर्क कैसे मिलता है एंड ऑल. तो वो कैसे मिलता है उसके मैंने कुछ यहाँ पर स्टेप्स रखे हैं. सबसे पहले आपको कमीशन वर्क मिलने के लिए यहाँ पर अच्छे आर्ट वर्क्स बनाने होगा, सोशल मीडिया पे आपको बहुत एक्टिव रहना होगा, उसके बाद में आपको पॉपुलर होना होगा. एंड ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे होता है एंड मुझे कमीशन वर्क कैसे मिला. सो गाइस, कमीशन वर्क लेने के लिए आपको मैंने यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स में आपको डिटेल में बताऊंगी, अगर आप चाहे तो उसे लिख सकते हो. सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको अच्छे आर्टवर्क्स बनाने होंगे. गाइस, अच्छे आर्टवर्क्स का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपके फीचर्स मैच होना चाहिए, या फिर जैसे कि आईज, नोज एंड लिप्स एंड जो आपका फेस कट है. गाइस, अगर आपका ये भी मैच नहीं होता है तो आई डोंट थिंक कि आपने कमीशन वर्क स्टार्ट करना चाहिए. अगर आप एक बिगनर हो तो आपको ये कंपलसरी है कि फीचर्स मैच होना चाहिए. एंड गाइस, बहुत अच्छा आपको आर्टवर्क आना चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप बड़े बड़े आर्टिस्ट का भी देखूंगी, उनका भी 100% बिल्कुल बनता नहीं, एग्जैक्ट सेम कोई नहीं बना सकता है. तो इसलिए फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप कमीशन वर्क स्टार्ट करो एंड अच्छे आर्टवर्क से. उसमें आप ये देख सकते हो कि आपके शेडिंग टेक्निक्स भी अच्छा आना चाहिए, थोड़ा एटलीस्ट वो आर्टिस्टिक तो भी अच्छा लगना चाहिए. उसके बाद में अगर आपको अच्छे आर्टवर्क, जैसे अगर आपको पॉपुलर बनना है, आपको अगर चाहिए कि लोग आपका रिकॉग्नाइज करें, आपके आर्टवर्क देखें, तो आपको सेलिब्रिटीज के आर्टवर्क चूज करना चाहिए. गाइस, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग हमारे जो भी फैमिली फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं तो हम उनका ये करते कि आप दे दो मैं बना दूंगा ऐसे एंड ऑल. बट गाइस, अगर आप सेलिब्रिटीज का बनाओगे तो मैंने ये देखा है कि आपकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है. ऐसा होता है कि आप सेलिब्रिटीज का कैसे इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो लोगों को अच्छा लगता है कि जैसे जैसे अगर आपके फीचर्स भी मैच होते हैं तो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं यार ये अच्छा बनाता है. तो ऐसा होता है, आप सेलिब्रिटीज का बहुत ज़्यादा ऐसे ट्राई करिए, अलग अलग टाइप की सेलिब्रिटीज को ये किया, आप उन्हें टैग करिए हैशटैग्स ऐसे करके. मैं आपको बात करूंगी कि आगे बात करेंगे कि पॉपुलर कैसे बनते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि आपको अच्छे आर्टवर्क्स बनाना चाहिए. गाइस, अच्छे आर्टवर्क्स के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, उस पर जब आप कोई भी पोस्ट या कुछ भी ऐसे आपकी पिक्चर डालो, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रॉपरली, वो क्लियरली दिख रही है, आपके लाइंस अच्छे दिख रहे हैं. एंड आपको अलग अलग एंगल्स लेना चाहिए. सपोज ऐसा होता है कि कोई कोई आर्टवर्क्स में आपने बहुत डिटेल काम किया, तो आपको उससे पर्टिकुलरली फोकस करके वो आर्टवर्क आपको दिखाना चाहिए लोगों को, ताकि वो अच्छे से रिकॉग्नाइज हो. तो गाइस, ये तो था कि आप अच्छे आर्टवर्क्स पहले आपको बनाना स्टार्ट करना चाहिए. अगर आप ये सब कर सकते हो तो फिर आपको ये करना है कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. मैं तो तीन सोशल मीडिया ही यूज करती हूँ, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. सो इसमें आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट एटलीस्ट ये कि आप रोज़ आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एक बार तो भी ऑनलाइन आए, देखिए कि क्या हो रहा है. एंड इसमें आपको ऐसा है कि आपको लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए. जैसे मैंने ऐसा किया था कि जैसे इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको स्टोरीज पर डालना चाहिए. अब लोगों को इन्वॉल्व मतलब आपको उनको खुद होकर रिक्वेस्ट सेंड करना चाहिए, क्योंकि गाइस ये आर्ट वाला जो पेज रहता है, आर्ट जो आप जो भी आर्टवर्क आप बनाते हो, तो वो इतने इजीली रिकॉग्नाइज नहीं होता है, क्योंकि आप कोई फनी वीडियो बनाओ तो वो हो जाएंगे, बट आर्ट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि लोग इतना जल्दी नहीं आपको फॉलो करते हैं. तो आपको ऐसे खुद होकर रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, आपको हर जगह पर पब्लिसिटी करनी होगी आपके जो भी आर्टवर्क है, आपको फैमिली फ्रेंड्स सबको बताना होगा. एंड देन आप लोगों को इन्वॉल्व कैसे कर सकते हो, जैसे आप स्टोरीज में ये डाल सकते हो कि कोई भी Q&A जो भी रहता है, तो आप न्यू आर्टवर्क का क्वेश्चन पूछ सकते हो. जैसे अभी अगर आपको एग्जांपल दूँ तो धोनी का भी बर्थडे आने वाला है 7 जुलाई को, एंड धोनी के काफ़ी सारे फैंस है, तो ये रहेगा कि आप ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हो कि गाइस क्या आप चाहते हो कि मैं धोनी का पोर्ट्रेट बनाऊँ, ऐसा आप Q&A डाल सकते हो, येस और नो पोल कीजिए, देन आप उसको पोस्ट करिए कि देखिए मैक्सिमम लोगों ने हाँ बोला है तो इसलिए मैं ट्राई करूँ एंड ऑल. ऐसे आप काफ़ी बहुत सारे आप ऐसे पोस्ट डाल सकते हो, लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो, लाइव आ सकते हो जब आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे करके आप बहुत कुछ एक्टिविटी कर सकते हो. एंड गाइस, ऐसे आप पॉपुलर हो सकते हो. एंड आपको ये भी करना है गाइस कि अगर आप एक जैसे बिगनर हो तो आपको ये करना चाहिए कि जो भी ऐसे न्यू जैसे बर्डिंग जो भी बिगनर्स है आपके ही तरह, तो आपको उन चैनल्स को, उन पेजेस को ऐसे आपको फॉलो करना चाहिए. आपको उनकी कम्युनिटी बनाना चाहिए. कम्युनिटी जैसे इंस्टा पे आप उनका ग्रुप बना सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हो. एंड आप बोल सकते हो कि अलग अलग आर्टिस्ट को हम उसमें ऐड करें, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करें. इससे गाइस ये नहीं होगा कि आप ऐसे बोलोगे कि ये तो रियल लोग नहीं है, वो तो आर्टिस्ट है तो वो सपोर्ट ही करें, बट गाइस आपको अच्छा लगता है
वो आपको आपके मिस्टेक्स भी बता सकते हैं, इससे बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि उनका रीच जितने लोगों से है तो आपके फॉलोअर्स एक्सचेंज हो गए। अगर आपका आर्टवर्क अगर ज़्यादा अच्छा है तो उनके फॉलोअर्स आपको लाइक करेंगे, ऐसे आपके बहुत रीच बढ़ता है एंड आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने ये ऐसे कोई ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहिए, नहीं है तो आपको खुद क्रिएट करना चाहिए एंड इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। एक दूसरे के पोस्ट लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, स्टोरीज पे डालिए ऐसे। एंड गाइस इसमें ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे पूछेंगे कि मुझे प्लीज़ प्लीज़ स्केच दे दो बना के, फ्री में दे दो, कितना क्या हो रहा है, दे नहीं सकते हो क्या? फैमिली एंड फ्रेंड्स को आपकी गुस्सा भी आ सकता है, बट गाइस इससे अगर आपको टैकल करना है तो आप हर किसी को नहीं बना के दे सकते हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत ही नया होता है कि हाँ कोई है हमारा स्केच बना के दे रहा है, हैंडमेड है। बट गाइस आपको आप हर किसी का नहीं बना के दे सकते हो एंड क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, 10 to 12 hours लगते हैं या कभी उससे भी ज़्यादा लगते हैं, किसका डिटेल वर्क होता है। सो आप उन्हें ये बोल सकते हो कि अभी मुझे फिलहाल इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के लिए फोकस करना है, तो मैं अभी किसी के भी स्केचेस नहीं बना रही हूँ एंड अगर आपको चाहिए भी तो मैं आपकी बर्थडे एनिवर्सरी तब मैं ट्राई करूँगी बनाने का, बट कुछ गारंटी नहीं। आप ऐसे बोल सकते हो वरना उन्हें गुस्सा भी आ सकता है। सो ये हो गया एंड फिर मैंने तो अपने इंस्टा पर यही लिख दिया था कि नो फ्री स्केचेस, तो आप प्लीज़ फ्री स्केचेस के लिए ना पूछे, तो ऐसा आप कर सकते हो टैकल। तो गाइज ये सारे पॉइंट्स थे, कुछ मिस आउट भी हो सकते हैं बट आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्या क्या आपने क्या क्या किया था या आपकी कुछ भी और पॉइंट्स अगर हो तो कि कैसे कमीशन वर्क आप ले सकते हो। सो गाइज ये सब तो था कि आपको कमीशन वर्क कैसे मिलना चाहिए, ये आपको ये तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है गाइज, आपको आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ाना ही होगा एंड लोगों को आपको ट्रस्ट करवाना होगा कि आपके आर्टवर्क्स अच्छे हैं एंड फिर लोग खुद ही आके आपको बोलेंगे। तो गाइज अभी मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे मेरा फर्स्ट कमीशन वर्क कैसे मिला। तो वो मुझे मेरे एक रिलेटिव ने दिया था एंड आप देखोगे मैंने वो और एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर, टाइम लैप्स वीडियो। एंड गाइज जब आप कमीशन वर्क करते हो तो कमीशन वर्क का ये रहता है कि आपको उतनी क्वालिटी भी आपकी बढ़ानी होगी, आपको आपके क्लाइंट या जो भी आपका बायर है उससे आपको डिटेल में बात करनी होगी, क्योंकि आपको पहले ही उसने क्लियर बता देना होगा कि देखिए मेरा ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आप जैसे मैं पेंसिल वर्क करती हूँ तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो तो मेरा ये प्राइस है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्राइस के लिए आपको अगर आप एक बिगनर हो तो मोस्टली आप 500 या उससे कम ही रखें, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में नहीं देते, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। एंड गाइस ऐसा भी होता है कि आप पैसे मांगते हो एंड फिर लोग बोल भी सकते हैं पीछे कि जैसे आपका इतना अच्छा आर्टवर्क भी नहीं है बट फिर भी आप इतने पैसे मांग रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी 500 तक ही रखिए। जब लोगों का कंटिन्यूटी बढ़ जाए तब आपका प्राइस बढ़ा सकते हो। सो इसमें ऐसा रहता है गाइस कि जब मुझे फर्स्ट कमीशन वर्क मिला था तो मैंने उन्हें डिटेल में बता दिया था कि देखिए मैं एग्जैक्टली सेम नहीं बना सकती हूँ, बस ये है कि मैं उससे मतलब अच्छा बनाने का जरूर ट्राई करूंगी बट एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगा क्योंकि हैंडमेड है एंड रिफंड नहीं होगा। एंड आपको पेमेंट जब आप लेते हो तो आपको ये ट्राई करना है कि पेमेंट आपको उन्हें बोलना होगा कि आप एटलीस्ट हाफ पेमेंट आपको करना होगा कन्फर्मेशन के लिए गाइस, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा अभी रिसेंटली हुआ कि एक कोई थे उन्होंने मुझे काफ़ी बल्क का ऑर्डर दिया था, वो मेरे सिटी से नहीं थे, आउट ऑफ स्टेट का था, तो उन्हें काफ़ी बल्क का ऑर्डर दिया एंड उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में बात की कि हाँ ऐसा ऐसा है एंड ऐसे ऐसे दो दो पोर्ट्रेट हैं एंड काफ़ी अच्छा है, आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए एंड मैं आपको कल ही पेमेंट कर दूंगा एंड ऑल। बट गाइस ऐसा हुआ कि अच्छा होगा मैंने बनाना स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने मुझे उसके बाद में रिप्लाई ही नहीं दिया, मैंने उन्हें कंटिन्यू मैसेज किया। तो ऐसा भी होता है गाइस कि आपको डिलीवरी मतलब आपको वो ये दे देते हैं कि कंफर्म करते थे बट वो आपको पेमेंट नहीं करते। एंड गाइस आपका जो आर्टवर्क रहता है वो हैंडमेड रहता है तो आपको पता है कि उस पर आपने कितनी मेहनत की, तो इसलिए लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको पेमेंट ही ना दे, तो इसलिए आपको बोलना है कि एटलीस्ट आपको कन्फर्मेशन के लिए हाफ पेमेंट आपको देना होगा या फुल पेमेंट ही। और ऐसा भी है कि जैसे मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है कि लोगों को डिलीवरी नहीं चाहिए, मतलब जो एक्चुअल आर्टवर्क रहता है वैसा नहीं चाहिए, उन्हें बस उसका फोटो चाहिए रहता है, स्कैन करके आप उन्हें सेंड कर दो। तो आप उसमें ऐसा कर सकते हो कि आप हाफ पेमेंट ले लो पहले ही एंड देन आप जब आपको आपका पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाए तो आप उन्हें बोलिए कि जैसे उनका भी अभी ट्रस्ट नहीं होगा आप पे, तो आप उन्हें बोलिए कि मैं आपको हाफ जो पोर्ट्रेट है उसका फोटो सेंड करता हूँ या करती हूँ जो भी है, एंड देन जब वो पूरा पेमेंट कर दे आप उनका स्क्रीनशॉट मांगिए, आप चेक कर लीजिए एंड देन आप उसका फोटो सेंड कर सकते हैं। तो ये एक है, आप ऐसी गलती ना करें कि आप बना के दे दें एंड पेमेंट ही आपको ना मिले। एंड गाइस मैंने ये भी नोटिस किया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी कम पैसे में मांग लेते हैं, जैसे हम लोग अगर हमारे हाथों से बना रहे हैं एंड फिर उसमें ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो पिक्स रहते हैं उसमें काफ़ी डिटेल वर्क रहता है, ज्वेलरी ड्रेसेस एंड ऑल का, तो आप पहले ही पिक मांग लीजिए, पहले उन्हें एक्सप्लेन कीजिए कि देखिए इसमें अगर एक्स्ट्रा वर्क है तो इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे,
पर पर्सन के हिसाब से भी आपको बोलना चाहिए कि एक्स्ट्रा पैसे बढ़ सकते हैं अगर पर्सन बढ़ते हैं तो, एंड वो आपका क्राइटेरिया आप कैसे भी मांगो। अगर आप 500 आपने बेसिक रखा है, एक्स्ट्रा पर्सन की आप 700 बोल सकते हो या उससे ज़्यादा, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। एंड गाइज, इसके साथ में आपको ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि अगर आपकी डिलीवरी है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपने डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस लेना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर आप 400-500 अगर आप ले रहे हो तो वो आपकी मेहनत के, एंड डिलीवरी के लिए अगर आप लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डिलीवरी भी उसी में करें, बट गाइज ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी के एटलीस्ट मतलब 200-150 के उससे ज़्यादा ही प्राइस होता है, एंड लॉकडाउन में तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए आई गेस। मैंने अभी तक की नहीं है डिलीवरी, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जब मुझे डिलीवरी करने का भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। बट अगर आपकी कोई सिटी में है तो आपको ये पूछना चाहिए कि आपको वो जो आर्टवर्क है वो आपको फ्रेम करवा के चाहिए या आप खुद ही कर लोगे, मैं आपको वैसे ही दे दूँ। तो आपको ये भी पॉइंट्स पूछना चाहिए, आपको पहले ही चैट में कॉल पे जो भी है, मैं कभी भी गाइस किसी से भी कॉल पे बात नहीं करती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ ऐसी चैट पे क्लियर कर सकते हैं कि देखिए स्टेप वाइज आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए ये इसका साइज ये होगा, आपको पहले पेमेंट करना होगा, देन आपको फ्रेम करवा के चाहिए या फिर डिलीवरी चार्जेस अगर है तो उसके एक्स्ट्रा लगेंगे, अगर डिटेल वर्क है तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, देन अगर पर्सन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका भी लगेगा, ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसका भी, एंड उसके कम हो गए, एंड अगर कलर पोर्ट्रेट है तो उसके ज़्यादा हो गए, ऐसे आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड गाइज एक ये भी टिप है कि अगर सपोज किसी को ऐसा होता है कि पसंद नहीं आता है, आपने पेमेंट ले ली है बट फिर भी आप अगर उन्हें दिखाते हो एंड उन्हें पसंद नहीं आता है, तो आप उन्हें पहले ही क्लियर कर दीजिए, आप उन्हें बोलिए, क्योंकि मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था कि मेरे किसी क्लाइंट को उन्होंने जस्ट इनकम्प्लीट ही देखा था, उन्होंने कहा था कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, बट मैंने उन्हें वही कन्विंस करने का ट्राई किया कि आप रुकिए, पेशेंस रखिए, ये पूरा होने के बाद में अच्छा लगेगा, बट उन्होंने जैसे मुझे कहा कि जैसे आप फिर से इसे बना दीजिए, बट मैंने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, एंड मैंने उस ड्राइंग को कम्प्लीट किया, देन उन्हें सेंड किया, एंड उन्हें वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो गाइज ऐसे आप उन्हें पूरे क्लाइंट को एक्सप्लेन करिए कि आपका रिफंड नहीं होगा एंड मैं किसी भी हालत में इसे फिर से नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप ऐसा पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए। एंड ऐसा था मेरा फर्स्ट कमीशन वर्क का एक्सपीरियंस, फर्स्ट कमीशन वर्क में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं गया, बट ये था कि आप ये सारे रूल्स फॉलो करें तो बेटर होगा। एंड गाइज आपको क्वालिटी भी अच्छी रखनी होगी, आपको ये जो स्प्रे है आप ये स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आप जब भी डिलीवरी करो तो आपका जो आर्ट वर्क है वो ख़राब ना हो, तो आपको ऐसे आपका क्वालिटी भी इम्प्रूव करना होगा। ये सारे टिप्स थे कि आपको कमीशन वर्क कैसे लेना है या फिर कैसे प्रोसेस रहती है, एंड आपको कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस से करना चाहिए, आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, तो ये सारे आपको फॉलो करना है। एंड देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि अगर इसमें कुछ मिस आउट हो गया है या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट कमीशन वर्क का या जो भी आप कमीशन वर्क करते हो। ये था आज का टॉपिक, और ऐसे अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, अगर आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके अगर आंसर्स आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।